6 लाख में मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मैंने पे किया और मिल गया मेरा सर्टिफिकेट और आज फिल्म मार्केट में रिलीज हुआ. दिस इज द केस इन गवर्नमेंट ऑफिसेस. आई रियली रिक्वेस्ट द हायर ऑफिशियल्स टू लुक इनटू दिस मैटर. तमिल अभिनेता विशाल, जो कि अपने दमदार एक्शन के लिए जाने जाते हैं, इन दिनों वो सुर्खियों में बने हुए हैं. दरअसल विशाल ने करप्शन का खुलासा करते हुए मुंबई स्थित हिंदी सेंसर बोर्ड पर गंभीर आरोप लगाए हैं. एक्टर विशाल इन दिनों अपनी फिल्म मार्क एंटनी को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं. तमिल में इस फिल्म को बहुत जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है. वहीं अच्छी परफॉर्मेंस को देखते हुए मेकर्स इस फिल्म को हिंदी में भी रिलीज करना चाहते हैं, तो वहीं फिल्म को 28 सितंबर को हिंदी में रिलीज कर दिया गया. लेकिन हिंदी में रिलीज करने से पहले इस फिल्म को बड़े पापड़ बेलने पड़े. फिल्म की रिलीज के कुछ घंटे बाद ही तमिल अभिनेता विशाल ने सनसनीखेज खुलासा करते हुए मुंबई स्थित हिंदी सेंसर बोर्ड पर घूस लेने का आरोप लगा दिया. अपने इंस्टाग्राम पर तमिल एक्टर विशाल ने ये वीडियो शेयर किया. इसमें वो फिल्म इंडस्ट्री में हो रहे करप्शन के बारे में खोलकर बात करते हुए कहा. उन्होंने कहा कि मार्क एंटनी को हिंदी में रिलीज करने के लिए सेंसर बोर्ड ने अधिकारी को 6.5 लाख रुपए दिए. उन्होंने आगे कहा कि इसके लिए उनका बहुत कुछ दांव पर लगा था. उनको फिल्म हिंदी में रिलीज करनी थी, इसलिए मजबूरी में ऐसा किया. उन्होंने इस वीडियो को शेयर करते हुए बहुत बड़ा पोस्ट शेयर किया. उन्होंने इस वीडियो में कैप्शन लिखा, फिल्मों में भ्रष्टाचार दिखाना अच्छा है लेकिन रियल लाइफ में नहीं, ये हजम नहीं होता. खासकर भारत सरकार के दफ्तरों में और सबसे अधिक बुरा हाल हो तो मुंबई के CBFC का है. मुझे अपनी मूवी मार्क एंटनी की हिंदी संस्करण को रिलीज करवाने के लिए 6.5 लाख रुपए बतौर अदा करने पड़े. 2 ट्रांजेक्शन के जरिए 3 लाख स्क्रीनिंग के लिए और 3.5 लाख सर्टिफिकेट के लिए. ऐसी स्थिति मैंने अपनी फिल्मी करियर में कभी नहीं देखी. उन्होंने आगे लिखा कि कोई और रास्ता नहीं था, सिर्फ संबंधी विभाग मनेगा को पैसे चुकाने अलावा, क्योंकि काफी कुछ दांव पर लगा था, क्योंकि मेरी फिल्म आज रिलीज हो रही थी. ये मैं माननीय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ध्यान में ला रहा हूँ. मैं केवल अपने लिए नहीं बल्कि भविष्य के निर्माताओं के लिए कर रहा हूँ. ये नहीं होना चाहिए, मेरी मेहनत की कमाई का पैसा भ्रष्टाचार में जा रहा है. बिल्कुल नहीं, मैं नीचे प्रूफ पेश कर रहा हूँ. आशा है कि हमेशा की तरह सच जीते. इसके साथ ही उन्होंने 2 अधिकारियों के बैंक खातों की जानकारी भी शेयर की. जानकारी मिलने पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा कि अभिनेता विशाल द्वारा उठाए गए करप्शन के दुर्भाग्यपूर्ण मुद्दे पर आगे जांच के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को नियुक्त कर दिया गया है. आपको बता दें कि अभिनेता विशाल ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का सहारा लिया. एक इंस्टाग्राम पोस्ट में भ्रष्टाचार को सिल्वर स्क्रीन पर दिखाया जाना ठीक है, मेरी फिल्म मार्क एंटनी को हिंदी वर्जन के लिए मुझे 6.5 लाख रुपए का भुगतान करना पड़ा उसे रिलीज करने के लिए. मंत्रालय ने प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया और मोशन पिक्चर्स एसोसिएशन को टैग करते हुए सभी CBFC द्वारा उत्पीड़न के इन अन्य मामलों के बारे में जानकारी प्रदान करने सहयोग करने का आग्रह किया. अब देखना होगा कि ये मंत्रालय आगे क्या एक्शन लेती है. देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए स्पाइस न्यूज़ भारत.